दोस्तों, ये मुंबई टू कोकण रोड ट्रिप का चौथा एपिसोड है और इस वाले एपिसोड में हम रत्नागिरी के 5 बेहतरीन प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इसी के साथ हम अपने पहले वाले लोकेशन पर पहुंचते हैं, रत्नदुर्ग फोर्ट। ओ भाई साहब, मेन एक्चुअली फोर्ट जो है ना ऊपर की साइड में है, यहाँ से रोड भी प्रॉपर है, ऊपर गाड़ियाँ जैसे जा रही है ना, बट यहाँ पे एक व्यू था जिसको देखने के लिए मैं रुक गया भाई। ओ ये कुछ अलग है भाई, ये कुछ अलग है। अंदर केव टाइप का है भाई और यहाँ से दूर दूर तक पूरा समुद्र दिख रहा है। ऊपर फोर्ट का व्यू दिखता है गाइज, और यहाँ पर एक केव टाइप का है तो वो दिखता है, वो दिख रहा है आपको। मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर ना एक केव टाइप का है, सच में यहाँ पर आने के बाद ही ये सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो भाई। ये वीडियो और फोटो को देख के समझ में नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर आने के बाद ही आपको एग्जैक्ट जो फील है ना वो पता चलेगा। बहुत ही प्यारा जगह है यार, और मेन अच्छी बात ये है ना कि आपको ज़्यादा ट्रैक नहीं करना पड़ता भाई। यहाँ से रोड आता है, गाड़ी आप अपनी लेके आ सकते हो, यहाँ पर साइड में गाड़ी लगा कर आप इस व्यू को इंजॉय कर सकते हो भाई, तो आपको ज़्यादा ट्रैक भी नहीं करना है। सो गाइस, इस जगह को कर दे भाई अलविदा, और अभी फिलहाल चलते हैं ऊपर की तरफ। गाड़ी भाई हमारा यहाँ आगे पार्क्ड है, अभी ऊपर की साइड चलते हैं। अभी 11:30 बज रहे भाई, अभी अपने को 3-4 प्लेसेस और एक्सप्लोर करने हैं। तो यही है भाई, रोड है यहाँ पर, और रोड के जस्ट उस तरफ यहाँ पर देखो सामने बीच है। तो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी थी, अभी ऊपर चलते हैं यहाँ से और आपको फोर्ट दिखाते भाई। और इस फोर्ट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि गाड़ी फोर्ट के दरवाजे तक आती है, जिससे हमको ज़्यादा ट्रैक नहीं करना पड़ता है। तो भाई यहाँ से किले का एंट्री है, यहाँ से लेफ्ट लेना हमको। ओहो, इसको तो मेंटेन करके रखा भाई, पेंटिंग वगैरह भी लगता है कि नया नया हुआ है। और यहाँ से भाई इसका मेन द्वार है जो कि पत्थर का बनाया हुआ है, पहले लकड़ी का होगा, ये तो अभी पत्थर का है, और ये वाला लोखंड का है। मेंटेन करके रखा है भाई, लेकिन मतलब ट्रैक नहीं करना पड़ा कुछ भी। 2 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम ना किले के ऊपर आ गए, बड़ा सही काम हो गया यार। ऊपर आने के बाद एक मंदिर भी है यहाँ पर, श्री देवी भगवती मंदिर किले रतनगढ़। ओ भाई बहुत गहरा है यार, ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं। ये लास्ट है भाई, तो इसके आगे मैं नहीं जा रहा, यहाँ से देख लो जितना दिखता है। सो गाइज ना, ये किले का भाई साइड साइड से ना ऐसे दीवार है, बाकी उस तरफ से हम लोग आए थे, ये जो रास्ते दिख रहे हैं ना इधर से हम लोग आए थे, बाकी हम लोग अभी फिलहाल आगे की साइड में जा रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी आप लोग देख ही चुके होंगे जो समुद्र का व्यू है उस साइड से, बट फिर भी वापस से हम लोग एक बार जाते उस साइड में आपको दिखाते भाई। बाकी अंदर की साइड में इस तरफ तो पूरा जंगल झाड़ियाँ ही हैं, सिर्फ किले की जो दीवार है ना साइड साइड से वो है, बीच में पूरा खाली पड़ा है। देखो यहाँ से हम लोग आए थे, ये दिख रहा है ना, यहाँ से गाड़ी लेके आए थे, वहाँ पर रुक कर थोड़ा बहुत हम लोग इस व्यू को एंजॉय किए। तो एक बार चल के ना आपको आगे भी दिखाते हैं। बेताल बुरुज, ये छोटी सी खिड़की है भाई, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि यहाँ से ना जो अगर दुश्मन वगैरह आते रहेंगे ना उन पर नज़र बनाने के लिए यहाँ पर बनाया रहेगा, क्योंकि यहाँ से ना पूरा क्लियर व्यू मिल रहा है। ये देखो इस साइड देखो भाई, और नीचे देखो, और इस साइड भी देख लो भाई। शाम को आने के बाद तो अलग ही व्यू रहता रहेगा, यहाँ से साइड साइड से किले की दीवार है और अंदर की साइड में पूरा जंगल एरिया। बाकी गाइस अंदर से अगर देखा जाए ना तो ये फोर्ट बहुत ही बड़ा है यार, बट रहते कहाँ थे ये, जो भी यहाँ पर राजा वगैरह रहते थे उनका जो घर वगैरह है वो कहाँ पर, वो तो दिखाई नहीं, सिर्फ साइड साइड से बाउंड्रीज वगैरह हैं। ऊपर की साइड में उतना पब्लिक नहीं है भाई, मतलब मुझे 3-4 ग्रुप दिखा, बाकी नीचे गाड़ियाँ तो पार्क थी, बट वो लोग वहाँ पे जो होटल्स वगैरह थे ना वहाँ पर रुक के वो लोग अपना लंच नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तो ऊपर की साइड में अब देखो ना, इस साइड में भी कोई नहीं है, यहाँ दूर दूर तक दिख रहा है, इधर भी कोई नहीं है। अगर ये सब लोकेशन मुंबई साइड में होता या आसपास में होता तो कितनी क्राउड रहती ना, जगह नहीं रहता यहाँ पर। ओ वहाँ पर देखो भाई, एक ट्रैक टाइप का बनाया कुछ, तो पता नहीं वहाँ पर जाते कैसे हैं, बट यार बीच बीच में ना अभी जैसे ऐसे साइड साइड से वॉक करते करते ना ऐसे बीच बीच में ऐसे कर्व टाइप का बनाया, तो यहाँ पर रुक रुक के आप फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो, बाकी इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो यार। अमेजिंग यार,
मतलब ना दूर दूर तक कितना भी दुश्मन आता रहेगा आप यहाँ से पता चल जाता रहेगा। अभी देखो ना यहाँ से कितनी सारी बोट्स हैं, यहाँ पर एक है उसके आगे एक है, तो दूर से अगर कोई बोट आ रही है दुश्मन आ रहा होगा उस समय की बात कर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो इन लोगों को पता चल जाता होगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो पुरानी इंडिया की जो हिस्ट्री है भाई बहुत अमेजिंग थी, ये देख के पता चलता है। अच्छी बात ये है कि ये अभी तक मेंटेन है, गवर्नमेंट ने बचा के रखा है भाई ताकि हम लोग इसे देख पाएँ। ऐतिहासिक वास्तु और लिहुनका, अच्छा कुछ लिखना नहीं इस पर। ओह कुछ तो है भाई इनका, ये आइकॉनिक प्लेस। यहाँ पे एक्चुअली गाइडर होने चाहिए ना, बाकी जगह पे तो रहते हैं यहाँ पर नहीं है। ये देखो आगे की साइड में बहुत सारी बोट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत बनाया है फ़िशिंग के लिए, तो यहाँ के जो लोकल्स गांव वाले हैं फ़िशिंग के लिए जाते रहेंगे भाई, तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। सो भाई अच्छा खासा यहाँ पर बैठ के हमने टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर सामने का व्यू देख लो भाई, सामने मंदिर है और इस तरफ एक भगवा कलर का झंडा है, और यहाँ पर कुछ बैठने के लिए जगह थी तो यहाँ पर बैठ के थोड़ा देर हमने इस व्यू को एंजॉय किया। अभी यहाँ से निकलते हैं, तिलक अली जाएंगे जहाँ पर लोकमान्य तिलक का घर था। फोर्ट के सामने ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम गोला और कोकम शरबत पीते हैं। ये तो गाइस रत्नदुर्ग फोर्ट से अभी हम लोग निकल चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर जो मेन व्यू था ना वो समुद्र का था भाई, वहाँ से जो समुद्र का व्यू दिख रहा था ना वो अल्टीमेट था भाई, वो चीज़ ना कोई कैमरा या फिर वीडियो जस्टिस नहीं कर सकता भाई, आंखों से देखने के बाद अलग ही फील हो रहा था। तो अगर आपके पास टाइम रहेगा ना तो यहाँ पर ज़रूर आना, अल्टीमेट व्यूज़ है भाई। बाकी आप ऊपर फोर्ट पे भी जा सकते हो, साइड साइड से दीवारें मतलब बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बीच में तो खाली था, लेकिन आपको हर तरफ से एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर पार्किंग वगैरह सब कुछ फ्री था, सिर्फ आपको गाड़ी लेके जाना है, वहाँ पे जगह है बकायदा पार्किंग के लिए, वहाँ पे पार्क करना है और ऊपर जाना है, घूम के आ जाना है। और जैसे ही हम अपने दूसरे वाले लोकेशन पर पहुंचते हैं तो हमें कुछ ये पता चलता है। सो गाइस ये वो घर है बट अनफॉर्चुनेटली भाई ये बंद पड़ा है क्योंकि मेंटेनेंस का काम चालू है। यहाँ पर देखो नोटिस लगा के रखा है इन्होंने, तो भाई बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है ये घर, और मेंटेनेंस की वजह से ये बंद पड़ा है, नहीं तो अंदर जाके प्रॉपर एक्सप्लोर करते थे, आपको भी दिखाते थे। और फिर हम यहाँ से निकल जाते अपने तीसरे लोकेशन के लिए जो कि था थीवा पैलेस। थीवा पैलेस का लोकेशन सेट कर दिया यहाँ से, कुछ तो 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है, 12 मिनट लगेंगे हमको यहाँ से पहुँचने के लिए। तो गाइस अभी हम ना रत्नागिरी सिटी के अंदर आ गए भाई, पतली पतली गलियाँ हैं यार, नसीब अच्छा है कि वन वे है ये, लेकिन बड़ा पुराना वाइब आ रहा है यहाँ से, बहुत पुराना सिटी लग रहा है, मतलब थपुए के घर, पुराने पुराने घर। सही है भाई, ये देखो आगे पूरा ये जो है थपुए का घर है। ये बात भाई यहाँ से कड़क दिख रहा है ये, तो यहाँ से अंदर जाते भाई पार्किंग वगैरह रहेगा। इसके सामने से जो व्यू था ना वो अल्टीमेट था भाई, अभी मैं इसके ना साइड वाले सेक्शन में खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक पार्किंग थी भाई, तो हमने गाड़ी पार्क कर दी। अभी यहाँ से ना जाते भाई ये पैलेस के अंदर, देखते हैं अंदर क्या है, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ तो दिख रही हैं इसके अंदर, और पैलेस भी काफ़ी पुराना और काफ़ी ठीक लग रहा है यार। तो पैलेस के अंदर जाते हैं भाई, यहाँ पर घूमते हैं, यहाँ पर घूमने के बाद मस्त देखते हैं आगे का क्या प्लान है। सुबह 10 से 1 बजे तक ओपन रहता है, उसके बाद 1:30 से 5 बजे तक ही ओपन रहता है। और सामने से यार तो कुछ तो स्कूल कॉलेज टाइप का लगता है पुराने टाइम का। और इसका जो स्टोरी है ना वो स्टोरी ये है कि जो थीवा राजा थे और जो अंग्रेज़ थे इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तो थीवा राजा हार गए थे, फिर अंग्रेज़ों ने इनको ना यहाँ पर बंदी बना के रखा था। तो ये मुझे स्टोरी पता चली यहाँ के लोकल से। बाकी यहाँ पर हम थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह निकालेंगे उसके बाद आगे चलते हैं। और यहाँ पर वीडियो कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं 1-2 क्लिप ही रिकॉर्ड कर पाता हूँ। अंदर की साइड में कुछ पुरानी मूर्तियां हैं जिनको बड़ा संभाल कर रखा गया है। थीवा पैलेस हम लोग गए थे, मुझे बाहर से तो ये पैलेस बहुत अच्छा लगा लेकिन अंदर देखने के लिए उतना कुछ खास था नहीं यार। बेसिकली जितना पैलेस है ना पूरा ओपन नहीं किया, बाकी के साइड में ना पूरा ब्लॉक करके रखा है, वो मेंटेन भी नहीं है, सिर्फ हार्डली 2-3 रूम है जहाँ पर पहले के कुछ चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी है, तो वो सारी चीज़ें हैं, पत्थर की मूर्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें संभाल के रखी है, बाकी तो अंदर कुछ ऐसा था नहीं। और इसी तरह से इस जगह को भी बाय बाय बोलकर हम निकल जाते अपने चौथे लोकेशन पर जो कि था श्री महाकाली मंदिर। बाकी भाई एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर जो एंट्री टिकट है ना पैलेस के अंदर जाने के लिए वो 10 रुपये, पार्किंग वगैरह फ्री है भाई।
लेकिन रास्ते में हमको भाटिया बीच मिलता है, तो यहाँ पर रुक कर हम थोड़ी देर आराम करते हैं। ये प्रॉपर रोड है जो कि बीच को कनेक्ट करता है। यही वाला रोड मैंने देखा था भाई जाते समय, तो मुझे लगा कि इसी पे आना चाहिए। यहाँ से क्या है कि गाड़ी ना अपनी ना बीच से पूरा कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर किधर साइड में लगा के गाड़ी पार्क करके अपन बैठते हैं। अभी आगे ही चल रहा हूँ। यहाँ पे सारे बीचेस तो भाई एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे, कहने का मतलब सब अच्छे हैं। पब्लिक यहाँ पर भी बहुत कम है। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं ना गाइज, तो इतना ज़्यादा धूप है ना कि बाहर रुकने का मन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से निकालते हैं गाड़ी भाई। भाई गाड़ी लोड ले रही है, स्टीप चढ़ाई लग रहा है ऐसा, मतलब ऐसा देखने से तो नहीं पता चल रहा है लेकिन लोड ले रही है भाई। अभी हाइट पे अपन जा रहे हैं। बाकी यार मैंने एक चीज़ तो नोटिस किया, रत्नागिरी में आप किधर भी चले जाओ आपको हर जगह पे ऐसे ही सीनिक व्यूज़ मिलेंगे। इसी के साथ थोड़ी बहुत ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं श्री महाकाली मंदिर। और यहाँ पर भी हमको बड़े आराम से दर्शन मिलते हैं। और इस मंदिर के अंदर मुझे एक कुआं दिखता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और यहाँ से पानी निकालने का तरीका बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया था। ये बड़ा यूनिक सिस्टम लगा यार, मतलब देखो ना क्या सिस्टम बनाया। ऊपर वो बांस में बांधा हुआ है, देन ये पाइप लगाया हुआ है, नीचे एक टब जैसा है वो नीचे जाता है, और जैसे जैसे ऊपर आता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे ये ऊपर आता है ना यहाँ से ये कॉर्नर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये बड़ा सही सिस्टम लगा। ये पानी पीने के यूज़ में भी लेते हैं क्या? पीने के लिए यूज़ करते हैं, करते हैं ना? ओके भाई, हाँ ये पानी पी भी सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ महाकाली माता के दर्शन भी हमको हो गए और काफ़ी फ्रेश लग रहा है। हमने कुएं से पानी निकाला, देन उसी से हम अपने मुंह वगैरह धोए, उस पानी को हम पी भी सकते हैं, इतना ज़्यादा फ्रेश होता है। मैंने यहाँ पर पूछा तो बड़ा यूनिक था यार, मतलब आज भी पुराने जो कल्चर है वो ज़िंदा है भाई। तो दर्शन हो गए महाकाली माता के, दर्शन हो गए, ये मंदिर था भाई। और यहाँ पर उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। सो गाइस ये मंदिर का ना पुराना स्ट्रक्चर है भाई, पहले कुछ इस तरह से हुआ करता था, अभी भी उसी तरह से, बस ये ऊपर का जो पत्थर है ना ये अलग से शेड मार दिया है भाई। और इसी तरह से हम निकल जाते हैं अपने आज के और आखिरी लोकेशन पर, जहाँ पर पहुँचने के लिए हमको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर GPS मैप काम नहीं करता है। गूगल मैप तो बिल्कुल सही रास्ता नहीं बताता है, लोकल गांव वालों से ही पूछ के आपको आना पड़ेगा यहाँ पर अगर आना है तो, नहीं तो मैप तो कुछ भी दिखाता भाई, यहाँ पर मैप फेल हो गया गूगल मैप। और अब हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी क्योंकि शाम के 5:30 बज चुके थे और आधे घंटे बाद ही यहाँ का सनसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए समय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी था। और फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और हमें कुछ ऐसा दिखता है। As the chemicals, they take us higher. वो जो पॉइंट दिख रहा है गाइस ना, वहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ से फिर थोड़ी देर में नीचे जाएंगे। तो एक बार चल के वहाँ से दिखाते भाई आपको असली वाला व्यू। आधा घंटा और लेट होते थे ना तो ये सनसेट हो जाता था भाई। ये देखो अभी यहाँ से ना दो रास्ता है, एक तो नीचे ये बीच की तरफ जाता है और ये सीधा जो जाता है ना ये वो पॉइंट की तरफ जाता है। और वो बीच भी मतलब वैसे तो बहुत अच्छा है बट थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ना वहाँ से जस्ट ना बहुत ज़्यादा डीप है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, उसके बाद नीचे जाएंगे। पहले हम लोग वहाँ पर ऊपर साइड में थे भाई, वहाँ से चलते चलते नीचे आए। और वैसे तो हमको वहाँ पर जाना है लेकिन वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो व्यू भाई। ओ भाई सो गाइज अभी यहाँ से ना हम लोग, एक्चुअली वहाँ पर बहुत सारे लोग थे इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था और सही से फ़ोटोज़ भी नहीं आ रहे थे। तो अभी यहाँ से हम लोग ना यहाँ पर नीचे की साइड में जा रहे हैं
वैसे तो सनसेट वगैरह हो गया, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आधा घंटा हमको मिलेगा नीचे बैठने के लिए, थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए, थोड़ा बहुत कंटेंट बनाने के लिए। तो अभी नीचे चलते हैं भाई, यहाँ पर आपको नीचे चल के दिखाते हैं। इस साइड से कुछ इस तरह का दिखता है भाई, छोटा सा ही बीच है, बट कभी कभी ना जब हाई टाइड होता है तो ये पानी ना पूरा ऊपर तक आता है, तो भाई ये सेफ़ नहीं रहता उतना ज़्यादा बीच। अभी के टाइम पे ना पानी थोड़ा सा आगे की साइड में, तो पब्लिक नीचे साइड में गई है। अभी फ़िलहाल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ना थोड़ा सा डेंजरस भी है। तो जो स्टोन दिख रहा है ना वहाँ पर, मैंने सुना है कि वहाँ से ना आगे डायरेक्ट ऐसा डीप है, तो वहाँ पर जाना थोड़ा सा सेफ़ नहीं होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग तो इधर ही रहेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, तो यहाँ से फ़िलहाल अभी अंदर जाते हैं। सो गाइस, अभी हम ना किधर भी भागम दौड़ी नहीं करने वाले ज़्यादा, यहाँ पर बीच पे बैठ गए। मैं आपको सामने का एक बार व्यू दिखाता हूँ, और यहाँ पर बैठेंगे कुछ देर तक, थोड़ा अंधेरा होने के बाद यहाँ से निकलेंगे गाइस। तो इस व्यू को अभी हम यहाँ पर बैठ के इंजॉय करने वाले हैं। ये देखो, एक्चुअली हम उधर भी जा सकते, जो सामने पहाड़ पर लोग दिख रहे हैं ना वहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन सेफ़ नहीं है तो हम उधर नहीं जा रहे हैं। देवखली बीच घूमने के बाद हम निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटी सी दिक्कत होती है गाइस। रात को ना रास्ता ही नहीं समझ रहा है यार, और जीपीएस मैप भी ना कुछ उल्टा पुल्टा ही बता रहा है। अभी जाना कैसे है ये नहीं समझ रहा है। पता नहीं यार, जीपीएस इधर काम करना मतलब फेल हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया भाई जीपीएस इधर, तो कुछ भी दिखा रहा है कुछ भी बता रहा है। इधर हम नहीं आए थे ना, पूछ के आइए यार किसी से, फिर मुड़ा नहीं पाएंगे। मुड़ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। रात को गाइस ना रास्ता ही भूल गए भाई, पता नहीं कौन सी गली में आ गए। यहाँ पर जीपीएस मैप भी सही से काम नहीं कर रहा है यार। दिन रहते रहते हमको होटल पे पहुँच जाना चाहिए था। अरे यार, अभी ना इधर तो नहीं है, यहाँ से एक राइट रास्ता, ये वाला रास्ता लेते भाई। लेकिन थोड़ा बहुत भटकने के बाद हम अपने होटल पर पहुँच ही जाते हैं। सो फाइनली गाइज, अभी हम लोग अपने होटल पे पहुँच गए भाई, रूम पे पहुँच गए। एक बार मैं आपको ना रूम का टूर करा देता हूँ। जैसे ही हम दरवाजे से, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे ही हम गेट से एंट्री कर देना भाई, यहाँ पे एक किंग साइज़ का बेड है जो कि काफ़ी डिसेंट सा है, और ये वॉल पे कोई तो एक वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। बाकी एक यहाँ पर मिरर है, और यहाँ पे एक कुर्सी है, और यहाँ पर एक टेबल है जिसपे मैंने अपना लैपटॉप वगैरह लगा के रखा है डेटा कॉपी करने के लिए। बाकी यहाँ पर एक सेल्फ है भाई जिसपे आप अपना सारा जो गैजेट वगैरह वो सब रख सकते हो। बाकी यहाँ पे बोर्ड है जो जहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। बाकी इस साइड में मैं दिखा देता हूँ भाई, इस साइड में बाथरूम वगैरह है जो कि ठीक ठाक है, और लास्ट में मैं आपको प्राइस भी बताता हूँ कितने का है। और इस साइड में भाई बालकनी है, करीब 3 फीट की बालकनी होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, और बाहर पूरा अंधेरा है। तो ये चीज़ मैं ना आपको सुबह दिखाऊंगा कि बाहर कैसा दिखता है ये। तो ओवरऑल भाई ये हमको आज रूम मिला है, और ये रूम हमको पड़ा है 1200 रुपये का। बाकी भाई होटल देखो कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पर। बाकी एक बार मैं ना सामने का भी व्यू दिखाता हूँ आपको बाहर चलने के बाद, मतलब खाना वगैरह होने के बाद एक बार बाहर चलते हैं, थोड़ा टहलेंगे और आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे। इसमें क्या क्या है पता नहीं, मुझे नाम तो नहीं पता मुझे सबका। और यहाँ पर है वेज थाली। सो गाइस, यहाँ पर खाने का जो बिल हमारा बना है ना वो 390 रुपये का बना, और खाना भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। नॉनवेज तो जो मैंने फिश थाली लिया था वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, वेज भी अच्छा था, सिर्फ दाल में नमक थोड़ा सा कम था ना, दाल में थोड़ा सा नमक कम था। बाकी ओवरऑल खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और फिलहाल अभी हम लोग एक झूले पे बैठे गाइस, और सामने हमारी इकलौती अकेली गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, और यहाँ से एंट्री है भाई। लाइटिंग थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है ओवरऑल। बाकी होटल भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। चलो थोड़ी देर में क्या, अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। होटल के बीच में ना एक प्लेस है भाई जहाँ पर एक झूला है, जहाँ पर आप खाने के बाद यहाँ पर झूल सकते हो खाना पचाने के लिए।
बाकी आपको आगे की साइड में लेके चलता हूँ। इधर तो अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा वैसा, बट ये सामने से होटल कुछ इस तरह का दिखता है भाई। यहाँ पर एक झूला लगा हुआ है जिसमें मैडम अभी झूल झूल के अपना खाना पचा रही हैं। बाकी गाड़ी हमारी वहाँ पे पार्क्ड है, इकलौती एक वहाँ पर पार्क्ड है। ऐसा लग रहा है कि इस होटल में सिर्फ हम ही लोग स्टे कर रहे हैं। बाकी है कुछ बाइकर्स भी आए हैं यहाँ पर, जैसे उस साइड में दो तीन बाइक्स वगैरह खड़ी हैं, यहाँ पर एक बाइक खड़ी है। बाकी ये वाला पार्ट भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर आप खाने के बाद आके बैठ के झूला वगैरह झूल सकते हो। बाकी यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो रिकमेंडेड भाई। कभी आप आ रहे हो तो क्या होटल का नाम है? रत्न प्रभा भाई। अगर आप रत्नागिरी में इस साइड में आ रहे हो ना, तो यहाँ पर रुक सकते हो भाई। रत्न प्रभा नाम से ये होटल है। प्राइसेस भी रिजनेबल है भाई। आप मुझे जो रूम पड़ा है वो 1200 का पड़ा है।